Bismillahirrahmanirrahim. alaikum students. How are you? Uh, we are studying our fourth chapter, and this chapter is about the nutrients. Today, we'll study about polysaccharides, and we'll see that how starch is formed and how starch is hydrolyzed. First of all, we'll discuss that uh, what process is involved in the formation of a starch. Starch is formed by the combination of the glucose molecules. Many glucose molecules combine together and they form the starch molecule. And with the starch molecule, water molecules are also produced. And the breakdown of starch is known as the hydrolysis of starch. And in hydrolysis of starch, starch in the presence of water is broken down. Into maltose molecules, many maltose molecules. And the formation of starch that occurs through the process of condensation and the hydrolysis of the starch occurs by a process that is known as hydrolysis. And this occurs in the presence of some enzymes, and these enzymes act as a catalyst. Uh, glycogen and starch stores of glucose. ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर और प्लांट की बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं एज स्टोर्स ऑफ ग्लूकोज़ यानी कि ग्लूकोज जो है दैट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च ग्लाइकोजन जो है दिस इज द स्टोरेज फॉर्म इन द एनिमल्स एंड स्टार्च इज़ द स्टोरेज फॉर्म इन द प्लांट्स प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एनिमल्स कैन नाट मेक और स्टोर स्टार्च इन देर बॉडीज अब देखें प्लाट्स जो हैं वो तो फोटोसिंथिस के प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज का मोलिकुल उन्होंने बनाया और फिर उसको आ, प्लांट की बॉडी ने कंज्यूम किया कंजम्पन के बाद जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज़ जो है जो कि बॉडी में रह गई है वो स्टोर हो जाती है एंड दैट इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च अब जब एनिमल्स जो हैं इन प्लान्ट को कंज्यूम करेंगे तो ये जो स्टार्च होती है दैट एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स अब एनिमल जो हैं वो इसको स्टार्च को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और ना ही इसको ये स्टोर कर सकते हैं ठीक है हम जो हैं वो सिर्फ ये है कि हम स्टार्च को कंज्यूम कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी गेट मोस्ट ऑफ आवर कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च अब जब हम अपनी डाइट लेते हैं हम खाना खाते हैं खाने में हम सालन लेंगे हम चावल लेंगे रोटी लेंगे तो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हम जो न्यूट्रिएंट का इंटेक करते हैं उसमें जो स्टार्च का हम इंटेक करते हैं वो स्टार्च कहाँ से आती है फ्रॉम द प्लांट्स आती है राइस के अंदर स्टार्च होती है पोटैटो के अंदर स्टार्च होती है ठीक है इस तरह अदर वेजिटेबल जो हैं उनमें भी ये जो स्टार्च होती है दैट इज़ प्रेजेंट अब एनिमल की बॉडी के अंदर जब हमने स्टार्च को कंज्यूम कर लिया तो सबसे पहले हम इस स्टार्च को करेंगे डाइजेस्ट डाइजेस्ट करके इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ये ग्लूकोज फिर एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में एंटर होगी और ब्लड से दिस विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी इन द सेल द सेल यूज दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट इज़ प्रेजेंट इन द लिवर दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू द ग्लाइकोजन ठीक हो गया सो so, ग्लाइकोजन की फॉर्म में फिर ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होती है दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इन एनिमल्स मेन स्टोर ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोजन हैंस ग्लाइकोजन इज समटाइम्स कॉल्ड एनिमल स्टार्च भी हम इसको कहते हैं क्यों क्योंकि प्लांट के अंदर स्टार्च इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड एन एनिमल्स द ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इसीलिए हम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं इन मैमल्स ग्लैकोजन इज स्टोर्ड मेनली इन द लिवर एंड इन मसल्स सो जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज ऑर्गन हैं जिनमें के ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लैकोजन वो ऑर्गन कौन कौन से हैं दोज आर द लिवर एंड द मसल्स अब इस इक्वेन में हम देखें स्टार्च इन प्लांट्स दिस इज़ कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज कैसे दिस इज कंज्यूम्ड एंड डाइजेस्टेड बाई एनिमल्स ठीक है स्टार्च जो है इसको एनिमल कंज्यूम करेंगे और बाद में इसको डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू द ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल्स दो दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ कंज्यूम्ड या इज़ यूटिलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन अब ग्लूकोज़ की ब्रेक डाउन होगी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज में और ये ग्लूकोज जो है इसकी ब्रोकन की डाउन होने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी एंड दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म देयर वाइटल एक्टिविटीज नो द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दैट विल बी स्टोर्ड इन द एनिमल और किस फॉर्म में स्टोर होगी दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कहाँ पर जाकर अभी हमने पढ़ा है इन द लिवर एंड इन द मसल्स ठीक हो गया सो so ये ग्लाइकोजन जो है ये लिवर में जाके और मसल्स में जाके तो फिर स्टोर हो जाती है द क्वेश्चन अराइजेज वाई द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोरड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च इसी फॉर्म में क्यों ये स्टोर होती है बॉडी के अंदर अब हम इसकी ये पढ़ेंगे कि ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर वेरी सुटेबल स्टोरेज फॉर्म्स वाई दिज आर सुटेबल स्टोरेज फॉर्म यहाँ पर देखें दे आर इन सॉलेबल इन वाटर सो दे डोंट चेंज द वाटर पोटेंशियल इन द सेल्स दोनों की दोनों जो फॉर्म हैं स्टार्च भी और ग्लाइकोजन भी ये पॉलीसेकोराइडस हैं दिज आर द लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स इनको हम कहते हैं दिज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स ठीक है अब मैक्रो मॉलिक्यूल होने की वजह से दिज आर इनसोलीबल इन वाटर अब जब ये मॉलिक्यूल्स सेल uh, के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे तो क्योंकि ये इनसॉलिबल हैं सो दे विल नॉट डिस्टर्ब द पोटेंशियल ऑफ द सेल जो वाटर बैलेंस है जो आप कह सकते हो वाटर पोटेंशियल है या जो ओस्मोटिक पोटेंशियल है उसको ये दोनों डिस्टर्ब नहीं करते हैं बिकॉज दीज आर इन इन वाटर जब हमने चैप्टर पढ़ा था सेकेंड चैप्टर जिसमें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन था तो उसमें मैंने कहा था कि अगर हम एक बीकर में वाटर ऐड करें उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें ठीक है तो सॉल्ट के एडिशन की वजह से इस सॉल्यूशन की एक ख़ास टॉनिसिटी हो जाएगी एक ख़ास इसकी कंसनट्रेशन हो जाएगी अब एक और बीकर मैं लेती हूँ उसके अंदर अगेन ऐसे वाटर ऐड किया और उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया तो अब इसमें भी एक वाटर की इस सॉल्यूशन की एक ख़ास कन्सेंट्रेशन हो जाएगी ठीक है अच्छा जी अब अगर मैं इसके अंदर जो बीकर हमारा है ए बीकर दिस इज़ बी ना इसके अंदर अगर मैं अब ऐड कर दूँ सैंड या चौक या कोई भी और इन सॉलिबल मटीरियल ठीक है और इफ़ दिस इज़ एडेड इन वेरी लार्ज अमाउंट अगर मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको ऐड कर दूँगी बट वी नो दैट दिस इज़ इन सॉलिबल वॉटर ठीक है अच्छा दूसरे वाले बीकर में मैं क्या एड कर रही हूं एन अदर सॉल्ट एन दिस सॉल्ट इज सॉलिबल अब क्या होगा सैंड की वजह से सैंड के एडिशन क्योंकि सैंड इन सॉलिबल है दिस विल बी सेटल डाउन और विल बी डिस्पर्स इन द सोल्यूशन बट सैंड की एडिशन की वजह से इस बीकर ए में सॉल्यूशन की टॉनिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगा कंसनट्रेशन वही होगी जो पहले सॉल्ट की वजह से इसमें थी सैंड ने ऐड होकर इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बनाया क्योंकि सैंड इंसॉलिबल है लेकिन बीकर बी के अंदर जब हमने और सॉल्ट ऐड किया तो और सॉल्ट की एडिशन की वजह से ठीक है ये क्या हो जाएगा ये हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर अब सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है हालांकि हमने बीकर में सैंड ऐड की थी या चॉक ऐड किया था लेकिन उसकी एडिशन ने सॉल्ट की टोनिस सोल्यूशन की टोनिसिटी को डिस्टर्ब नहीं किया जो सॉल्ट पहले पानी में डिजॉल्व था उसी की वजह से जो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन वही रहेगी वो चेंज रहे नहीं होगी सैंड की एडिशन की वजह से इसकी कंसंट्रेशन पर इफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि सैंड इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर इन द सिमिलर वे जो ग्लाइकोजन और स्टार्च होता है दैट इज़ इनसॉलिबल इन द सेल अब जितना मर्जी ग्लाइकोजन या स्टार्च सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्लेस हो जाए उसके अंदर उसको रखा जाए वो साइटोप्लाज्म की टॉनिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगी यानी कि वो साइटोप्लाज्म को हाइपर टॉनिक नहीं बनाएगी एज कम्पेयर टू देयर एनवायरमेंट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से ग्लाइकोजन और स्टार्च जो हैं ये स्टोरेज फॉर्म है फॉर द सेल दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन सो दे विल नॉट बी लॉस्ड फ्रॉम द सेल ठीक है ये लॉस नहीं होते अब आप देखें दिस इज अ सेल ये इसकी सेल मेम्ब्रेन ना वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये सेलेक्टिवली पमिएबल है कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है इसमें से पास होना कुछ को ये अलाउ नहीं करती तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड दे कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अब जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हो गए ठीक है देन दीज आर कन्वर्टेड या तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल यूटिलाइज करेगा किस प्रोसेस में सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में और वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी अब जो ग्लूकोज की एक्सेसिव अमाउंट है जो नीड से ज़्यादा अमाउंट है दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू ग्लाइकोजन ठीक है अब जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है दैट इज लार्ज साइज मॉलिक्यूल ये मैक्रो मॉलिक्यूल है अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकता इट कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सो इट विल रिजाइड इन द सेल एंड इट विल नॉट लॉस्ट आउटसाइड ठीक है सो so, ग्लूकोज़ अगर तो ग्लूकोज की अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा हो गई तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए अगर देखें ना कंसनट्रेशन ज़्यादा है अंदर सेल के तो फिर ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए बाहर भी मूव कर सकती है लेकिन अगर ग्लूकोज हम अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटर कर रहे हैं और एक्सेसिव अमाउंट जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इंटू स्टार्च तो स्टार्च जितनी मर्जी बन जाए सेल के अंदर सॉरी ग्लाइकोजन जितनी मर्जी सेल के अंदर बन जाए एनिमल सेल के अंदर वो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती तो दैट विल बी नॉट लॉस्ट फ्रॉम द सेल वो सेल में से बाहर नहीं जाएगी ज़ाया नहीं होगी वेस्ट नहीं होगी और वो सेल के अंदर ही रिजाइड करेगी सो दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल विच कैन नॉट डिफ्यूज टू द सेल मेम्ब्रेन, सो दे विल नॉट बी लॉस्ड फ्रॉम द सेल दे कैन इजीली बी हाइड्रोलाइज टू ग्लूकोज वेन नीडिड फॉर एग्जाम्पल इन टिश्यू टिश्यू रेस्पाइरेशन अब देखिए सेल के अंदर ये स्टोर हो गई है प्लांट सेल के अंदर ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गई है और एनिमल सेल के अंदर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गई है अब अगर फ़र्ज करें कि हमने रोज़ा रखा हुआ है या प्लांट में ऑटम सीज़न है ख़ज़ा का मौसम है उसकी लीव्स नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो अब क्या है कि सेल के अंदर जो है वो ग्लूकोज़ का लेवल या हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल कम हो जाएगा डाउन हो जाएगा अब हमें ग्लूकोज़ चाहिए ठीक है तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हाउस था का ग्लूकोज़ का जो कि ग्लाइकोजन है जो कि लिवर और हमारे मसल्स के अंदर स्टोर है अब चूंकि हमारी बॉडी को नीड है तो ये ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल जो हैं ये इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये सेल में से बाहर डिफ्यूज़ होकर तो हमारे ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे सो तो ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा वो डाउन नहीं होगा फिर यहाँ से ये लिवर से और ये मसल से जो है वो ग्लूकोज़ वो रिलीज होकर ब्लड में चली जाएगी फिर ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और जहाँ जहाँ ग्लूकोज रिक्वायर्ड है हमारे ब्रेन के सेल्स को या हमारे अदर बॉडी टिश्यूज़ को तो वहाँ ये प्रोवाइड कर दी जाती है सो दे कैन ईजीली बी टू ग्लूकोज़ वेन नीडिड फॉर एग्जाम्पल इन टिश्यू रेस्पायरेशन their molecules have compact shape so they occupy less space than all the individual glucose molecules that make up a glycogen or starch molecule ab ye hai ki jo glucose ke molecules hote hain jab wo cell ke andar present honge ye dekhen theek hai तो ये छोटे मॉलिक्यूल हैं ये disperse हो जाते हैं ऐसे ज़्यादा space अकुपाई करते हैं लेकिन इसके opposite अगर हम देखें तो अगर एक सेल और उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन सो so, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं हालांकि वो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल हैं लेकिन वो क्योंकि कॉम्पैक्ट होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से दे आकोपाए लेस स्पेस अब देखें ग्लूकोज़ अगर जो है अगर वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो इतनी ज़्यादा स्पेस अकोपाई करेगी लेकिन अगर यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं ये पॉलीसेकेराइड यानी ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो दे विल अकोपाई लेस स्पेस सो लेस स्पेस अकुपाई होने की वजह से जितनी भी ज़्यादा ग्लूकोज होगी जब वो ग्लाइकोजन में या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी तो सेल के अंदर लेस स्पेस अकुपाई करेगी और वो छोटी सी जगह के अंदर जो है वो आराम से स्टोर की जा सकती है ठीक हो गया सो बेटा दीज आर मेन फोर रीजन्स बिकॉज ऑफ विच जो ग्लाइकोजन है एंड स्टार्च है इट इज़ द बेस्ट स्टोरेज फॉर्म इन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलोसिज ऑफ स्टार्च कि हाइड्रोलोसिज ऑफ स्टार्च कैसे होती है स्टार्च की ब्रेक डाउन जो है वो कैसे होती है स्टार्च इन द फूड वी ईट मे बी हर्डलाइज और डाइजेस्टेड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल अब जो हमने स्टार्च खाई हमने खाना खाया हमने रोटी खाई हमने चावल खाए या हमने कोई वेजिटेबल्स ली हैं ठीक है, है? पोटैटो खाया है हमने अब ये जो है दैट एंटर्स इन टू आवर एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं गेस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक को ये जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं ठीक हो गया वन स्टार्च इज हार्डोलाइज द बॉन्ड्स विद इन द पॉलीसेकराइड्स आर ब्रोकन एंड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर रिलीज अब देखें आपको मैंने कहा था कि स्टार्च इज़ पॉलीसेकेराइड, ठीक है इट मीन दिस इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल ऐसे लंबी चेन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं दीज आर अरेंज मैनी मॉलिक्यूल्स आर हेयर एंड मैनी मॉलिक्यूल्स आर हेयर अब अगर हम देखें कंप्लीट हाइड्रोलोसिस अगर हो इसका यानी कंप्लीट ब्रेक डाउन ठीक है दिस इज़ स्टार्च अब अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाए कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाए तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट विल बी ब्रोकन डाउन ठीक है हाइड्रोलिसिस हो जाती है और उसके रिज़ल्ट में इस ब्रेक की वजह से कितने मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ठीक है ये क्या है दिस इज़ द हाइड्रोलिस ऑफ द स्टार्च ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर रिलीज अब ये प्रोसेस जो है ये ऐसे सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता लिविंग बॉडी के अंदर एनिमल्स के अंदर ये जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च है दैट अकर्स इन टू स्टेप पहले स्टेप में जो एंजाइम यूटिलाइज होगा दैट विल बी एमाइलेज एंजाइम ठीक है कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम क्या करता है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करके तो इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है नो लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट वन दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ द स्टार्च मॉलिक्यूल ठीक हो गया एमाइलेज एंजाइम विल एक्ट एंड दिस विल ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द स्टार्च मॉलिक्यूल लेकिन देखें कहाँ ये ब्रेक करेगा आफ्टर एवरी टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा बॉन्ड का फिर यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ बॉन्ड ब्रेक करेगा ठीक है जब ये एमाइलेज इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा तो उसके रिज़ल्ट में ये देखें टू ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल टू ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड टू ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल इस तरह ये टू टू की फॉर्म में जो है ये प्रोड्यूस होंगे और आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं दिस इज़ डाई सेक्राइड ठीक है और वो डाइसेक्राइड जिसमें दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हों उसे हम कहते हैं दिस इज़ द माल्टोज़ मॉलिक्यूल सो so, स्टार्च की ब्रेकडाउन से फर्स्ट स्टेप में एमाइलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है और एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट करता बल्कि उसको ये माल्टोज़ में कन्वर्ट करता है सो एमाइलेज ब्रेक्स बॉन्ड एंड रिलीज़ माल्टोज़ ये माल्टोज़ के मॉलिक्यूल जो हैं वो इसको रिलीज़ करेगा दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि अब माल्टेज एंजाइम। दिस इज़ एन अदर एंजाइम और माल्टेज एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या होगा माल्टोज़ अब जब ये एक्ट करेगा माल्टेज एंजाइम तो ये माल्टोज के दरमियान जो टू ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड है उसको ब्रेक करके तो ये इंडिविजुअल अलग अलग ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे सो माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज़ के ऊपर एक्ट करके इस जो बॉन्ड है बीच में इनके उसको ब्रेक कर देगा और उसके रिजल्ट में मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे सो फर्दर बॉन्ड ब्रेकिंग बाय माल्टेज रिलीजिज इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल सो टू स्टेप्स में हाइडोलोसिस ऑफ स्टार्च का प्रोसेस अक्कर होता है पहले स्टेप में एमाइलेज आई एनजाइम जो है दैट इज़ यूटिलाइज ठीक है और सेकेंड स्टेप पर माल्टेज एंजाइम जो है ये यूटिलाइज होता है और इन टू स्टेप्स के रिजल्ट में इन द एंड हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो हासिल होते हैं नो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल एक्टिविटीज़ ठीक है ये कार्बोहाइड्रेट जब हम कंज्यूम करेंगे जिस मर्जी फॉर्म में कंज्यूम करें दोज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आर डाइजेस्टेड एंड वी गेट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल और मोनोसक्राइडस हमें हासिल हो जाते हैं ये मोनोसेक्राइडस हमारे ब्लड में जाकर तो फिर हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं सेल जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए इन मॉलिक्यूल्स की इन मोनोसेक्राइड्स की जो है वो ब्रेक डाउन करता है और उसके रिज़ल्ट में फिर एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी जो है हम वो अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है कि दिज फॉर्म द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं जैसे कि सेल वॉल इन प्लांट्स अब सेल वॉल को अगर हम देखें तो सेल वॉल किस मटेरियल से बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल लोज नाउ यू नो दैट सेल इज़ अ पॉलीसेकोराइड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स Next, converted into other organic compounds. कार्बोहाइड्रेट जब हम एक दफ़ा बॉडी के अंदर चले जाते हैं हम इनको कंज्यूम कर लेते हैं तो हम हमारी बॉडी के अंदर फिर ये कैपेबिलिटी है कि हम इसको अदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज़ हैं जिसके ज़रिए हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में या इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्रोटीन uh, में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दिज आर कन्वर्टेड इन टू अदर ऑर्गेनिक कम्पाउंडस आल्सो दिस आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन में अगर हम देखें तो राइबोज शुगर इज़ यूटिलाइज सो राइबोज इज़ अ शुगर दिस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट सो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो इन्वॉल्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं डी एन एंड आर एन ए सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि ये हमारे इनहेरिटेंस और जेनेटिक प्रोसेस और हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं ठीक है सो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथिसाइज लुब्रिकेंट्स अब जो लुब्रिकेंट्स हैं जो कि जैसे हमारे जॉइंट्स के दरमियान में लुब्रिकेंट्स होते हैं या हमारे हार्ट के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो पेरिकार्डियम जो है मेम्ब्रेन उसके दरमियान में पेरिकार्डियल फ्लूड होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस होता है और हमारे ब्रेन में जो है वह सर्बोस्पाइनल फ्लूड होता है या हमारे लंग्स के इर्द गिर्द प्लोरो फ्लूड होता है और हमारे जॉइंट्स में जो लुब्रिकेटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसकी फॉर्मेशन को अगर हम देखें उसकी केमिस्ट्री को देखें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर यूटिलाइज ठीक है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कम्बिनेशन होती है सिंथेसाइज नेक्टर इन फ्लावर्स आप देखें फ्लावर में नेक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अलावाक ने एक एक पहलू कंपाउंड जो, जो है ये एक लिक्विड जो है प्रोड्यूस किया हुआ होता है ये नेक्टर जो है ये फ्लावर्स में प्रोड्यूस होता है और इस नेक्टर को सक करने के लिए दिस इज़ स्वीट इन टेस्ट अब नेक्टर की अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो दैट इज़ केमिकली कार्बोहाइड्रेट इन नेचर अब इस नेक्टर को क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होता है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है जब इंसेक्ट आते हैं इस नेक्टर को सक करने के लिए तो फिर उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रीन्स जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं ठीक है तो फिर ये पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं सो so, फ्लावर्स में जो नेक्टर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लावर उसमें जो नेक्टर की फॉर्मेशन है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन कंपोनेंट होता है चलें जी अब हम टेस्ट योर सेल्फ फोर पॉइंट थ्री को देखें uh, इनमें से अक्सर जो क्वेश्चन है बेटा वो हम कर चुके हैं दैट इज जैसे कि नंबर वन क्वेश्चन है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग शुगर्स कि मैंने आपको बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट जो है वो कर लिया हमने फिर हाउ कैन यू आइडेंटिफाई स्टार्च ये भी आपने क्वेश्चन कर लिया है थ्रू आयोडीन सोल्यूशन आउटलाइन द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द लाइफ ऑन एन ऑर्गेनिज्म ये अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये पूरे जो आप कह लो फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है नो कम क्वेश्चन नंबर फोर Uh, ये क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ अभी बट मैं इसका आंसर नहीं आपको बताऊँगी मैंने अभी जो डिस्कशन की है टुडे जो हमने लेक्चर डिस्कस किया है उसके अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिल जाएगा सो so, आपने इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके और उसके बाद फिर इसका आंसर अपनी नोटबुक्स पर लिख कर तो मुझे आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है द क्वेश्चन इज़ वट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू एड सम लेज टू आर स्टार्ट सोल्यूशन